हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ डॉट क्लास में। ये जो डॉट क्लास है इसमें आप ही के द्वारा दिए सवाल में बताता हूँ। देखिए सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास बिटवीन टू स्टेशन। सर कितना छोटा छोटा सवाल होता है, इतने अच्छे से सवाल को आपको करना बताता हूँ, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, एक बार में आप सवाल समझ जाते होंगे। देखिए सवाल कह रहा है कि किसी भी ट्रेन का जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू मतलब जो टिकट बेचने के बाद जितना पैसा आता है उसको रिवेन्यू बोलते हैं। बोल रहा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तीन क्लास के ट्रेन की टिकट थी, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, सारे के रेवेन्यू के रेशियो आपके दे रखे हैं ये है। और बोल रहा है एंड द फेयर ऑफ दिस ट्रेन, फेयर मतलब क्या हो गया, फेयर मतलब एक टिकट का दाम, या फिर इसको आप बोल सकते हैं प्राइस ऑफ वन टिकट। जो प्राइस है उसका रेशियो दिया हुआ है कि आपका क्या है 12:11:7 है, मतलब पहले क्लास का प्राइस अगर 12 है तो दूसरे क्लास का 11 और थर्ड क्लास का 7, इस तरह से रेशियो दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि किसी पार्टिकुलर दिन ऐसा होता है कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर 776 ट्रेन में बैठते हैं, 776 ट्रेन में बैठते हैं, और जिसमें से एक बात और कह रहा है कि सीनियर सिटीजन और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई फी नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई टिकट नहीं लग रहा है। अब आपको बताना है कि कम से कम कितना सीनियर सिटीजन है। अगर सीनियर सिटीजन की संख्या, देखिएगा सीनियर सिटीजन की संख्या 25% मोर देन, सीधे चाइल्ड लिख रहा हूं, मतलब 12 साल के बच्चों की संख्या से आपको सवाल में दे रखा है। सवाल एक बार फिर समझा दे रहा हूं, देखिएगा कितने आराम से सवाल बनता है, इसलिए मैं बोलता हूं आप सारे वीडियो को देखिए, आपको सारा काम आने वाला। आप सोच रहे होंगे सर जो आप पढ़ेंगे वही एग्जाम में आने वाला, तो ऐसा नहीं है, एग्जाम में सारे कुछ आने वाला है, जो आप पढ़ेंगे वो भी और जो आप नहीं पढ़ेंगे या जो आप दूसरे का चीज पढ़ेंगे वो भी। देखिए सवाल कर रहे कि रिवेन्यू का रेशियो है, टोटल पैसा टिकट बेचने के बाद इतनी आई है पूरे ट्रेन का, किस दिन आई है, जिस दिन ट्रेन में 776 लोग बैठे हुए थे, सारे लोग मिलकर टोटल पैसेंजर कितने थे ट्रेन में 776। आपको बोल रहा है कि एक टिकट का दाम का रेशियो जो है फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास का, वो आपको ये दे रखा है। आप मुझे बताइए अगर 144 यूनिट पैसा जनरेट हो रहा, रिवेन्यू मिल रहा आपको फर्स्ट क्लास से, जिसमें 12 यूनिट चार्ज है एक टिकट का, तो कितने लोग बैठे होंगे। तो आप कहेंगे सर रिवेन्यू बाई प्राइस, रिवेन्यू क्या होता है याद कीजिए, तो याद मतलब समझिए इसको, रिवेन्यू क्या होता है, जो प्राइस टिकट का होगा प्लस गुना पैसेंजर, पैसेंजर की संख्या, यही रिवेन्यू होगा ना, पैसा कितना जनरेट होगा टिकट बेचने पे। तो जितना एक टिकट का दाम होगा और जितना टिकट बिकेगा, और टिकट कितना बिकेगा जितना पैसेंजर होगा। तो आपको डिवाइड किया तो आपको ये रेशियो मिल गया, यहां से डिवाइड करा तो आपने ये रेशियो मिल गया, और साथ से डिवाइड कर दिया तो आपने ये रेशियो मिल गया। तो ये नंबर ऑफ टिकट्स है और यही टोटल टिकट्स है, नंबर ऑफ टिकट्स मतलब नंबर ऑफ पैसेंजर, यही टोटल होना चाहिए 776। लेकिन कंडीशन कुछ लगाइए कि आपको बोल रहा है कि जो बच्चे हैं 12 साल से नीचे उसको पैसा नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कि बच्चे जो हैं, मान लीजिए बच्चे आपके एक से, चलिए वहां शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, मान लीजिए बच्चे कितने हैं आपके एक ट्रेन में बैठे हैं, तो आपको सीनियर सिटीजन कितने होंगे, तो आपको बोला था 25% से ज्यादा, मतलब 125% मतलब 1.25x टोटल इतने लोग हैं ट्रेन में ऐसे जिनको टिकट का पैसा नहीं लगेगा। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए 12 पैसेंजर फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, 9 अगर सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में 16, तो कुल मिला के आपसे पूछूंगा तो कितने पैसेंजर बैठे हैं, तो आप कहेंगे सिर्फ 12, 9, 21 और ये 37 पैसेंजर बैठे हैं, जबकि सवाल का आंसर कितने होने चाहिए 776। लेकिन कुछ इसमें विदाउट टिकट हैं जिनको फी नहीं लग रहा, मतलब कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम को आपको हटाना है क्योंकि कम से कम बुजुर्ग की संख्या बतानी है, सीनियर सिटीजन की संख्या कम से कम बतानी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं बोलता हूँ कि भाई आप टिकट खरीद लीजिए। तो आप बताइए 37 को अगर 2 से गुना करूंगा तो आप देख लीजिए 74 आएगा, 0 से गुना कर दिया तो 37 × 20 मतलब 740 संभव लोग हैं जो टिकट खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते क्योंकि अब इसके पास सिर्फ 36 लोग बचे हैं और ये 37 से नहीं कटेगा। आप कहेंगे सर यहाँ एक्स लगा के आप देखिए, ये बाई लगा के देखिए, तो इतने प्लस इतना इतना होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग विदाउट टिकट होंगे, पैसेंजर है ये टिकट खरीदने वाले नहीं, पैसेंजर है टोटल ट्रेन में। इसका मतलब 36 पैसेंजर वो हैं जिन्होंने टिकट नहीं परचेज किया है, और 36 क्या क्या हो सकते हैं, या तो चाइल्ड हो सकते हैं या सीनियर सिटीजन, ये दोनों मिलकर 36 हो गए हैं। इसका मतलब 1.25x प्लस 25x कितना हो गया, 2.25x की वैल्यू दे रखिए 36। आपको सीनियर सिटीजन पूछ रहा था तो 1.25x की वैल्यू आप बता देंगे, नहीं बताएंगे तो इसकी वैल्यू आपको बताने बोली। तो आप बताइए कि यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया
और ये डेसिमल से डेसिमल गया, ये 9 गया और ये 4 गया और ये 9 से 4 गया, ओह 25 से वो 9 गया, 25 से 5 गया, और 1 की वैल्यू 5 तो 4 की वैल्यू 20, मतलब 20 सीनियर सिटीजन उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, कम से कम 20 सीनियर सिटीजन थे, और पूछेगा कम से कम बच्चे कितने थे, तो कम से कम 16 बच्चे थे। तो ये आपको इस सवाल का जवाब, उम्मीद है कि आप इस सवाल समझ गए होंगे। सेकेंड सवाल देखिए, आप इसको चाहते हैं छोटा में बनाने के लिए, छोटा में कैसे बनाएंगे आप देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बोला हूं कैलकुलेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करना होगा, दिमाग थोड़ी सी तेज करनी होगी आपको। आप मुझे देखिएगा सवाल को, मैं सवाल पहले लिख दे रहा हूं, सवाल कर रहा है x प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू है रूट 13 है, और आपसे पूछ रहा है एक्स फाइव माइनस वन बाई एक्स फाइव की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। आप सोल्व कीजिए इसको, ऐसे ही सोल्व कीजिए। कैसे सोल्व करेंगे, एकदम ऊपर ऊपर से। आप मुझे बताइए ये जो चीजें जब भी माइनस में है और पावर ये है तो ये कैसे बना होगा। तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और एक्स क्यू माइनस एक बटा एक्स क्यू ले लेते हैं, इससे बना होगा, आएगा ना, इसको इससे गुना करेंगे एक्स फाइव, इसको इससे गुना करेंगे माइनस एक्स फाइव, यहाँ क्यूब है और लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा आएगा वो क्या आएगा, इसको इससे गुना करने पर आएगा क्या आएगा एक्स आएगा, इसको इससे गुना करने पर आएगा क्या आएगा माइनस वन बटा एक्स आएगा, ये जो एक्स्ट्रा है इसको आपको हटा देना है। ये समझ में आया कि नहीं, आपके दिमाग में हो सकता है ये सवाल आया हो, सर यहाँ माइनस क्यों ले रहे हैं, यहाँ प्लस ले लेते हैं बदले में यहाँ माइनस ले लेते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं ऐसा, यहाँ माइनस ले की जगह प्लस ले लीजिए, यहाँ प्लस की जगह माइनस ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब बताइए कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू रूट 13 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली आप इसको स्क्वायर कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर 13 आएगा, 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 में से 2 घटेगा तो 11 आएगा, देखते जाइएगा। अब बात कर रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11 है, आपको एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आपको एक्स माइनस वन बाई एक्स चाहिए, आप यहाँ दो माइनस करेंगे यहाँ दो माइनस करेंगे दोनों में दो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9, एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप रूट लेंगे तो ये बचेगा 3 और एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू आ गई 3। तो आप मुझे बताइए कि अगर एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 है तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू क्या हो जाएगा, याद कीजिए फॉर्मूला, तो आप कहेंगे सर एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल क्यू प्लस 3 ए बी, तो एक्स गुना वन बाई एक्स ऐसे ही रह जाएगा इंटू ए माइनस बी मतलब 3। जिनको डायरेक्टली याद है कि इसका एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर ए है तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस 3 ए, अगर याद है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जिनको कुछ भी नहीं याद है उनके लिए मैं बता रहा हूं। अब आपसे पूछ रहा हूं कि अगर x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू तो आपने निकाल ही रखा, अब बताइए इसको सोल्व करने में आपको कितना समय लगेगा। तो आप मुझे बताइए कि 3 क्यूब कितना 27, 9 कितना 36 और ये 396 माइनस 393 गुना आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आप नहीं भाग सकते इस चीज से, कैलकुलेशन हर एक सवाल में आपको मिलेगा। अब ये देखिए सवाल है, यहां पर जो कैलकुलेशन करना वो तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप स्मार्ट तरीके से इसको स्टेप्स को चुरा सकते हैं। कैसे, सवाल कर रहा है कृषि भूमि को 3 लाख एक व्यक्ति खेतीहर भूमि मतलब खेती वाली जो भूमि होती है उसके इतने में खरीदता है, वह उसके एक तिहाई भाग को देखिएगा 1/3 भाग को 20% हानि पर बेच देता है, उसके बाद बोलता है 2/5 भाग को देखते जाइएगा 25% फायदे पर बेच देता है, तो अतः वह शेष भाग को किस मूल्य पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हो। सवाल आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यह सवाल को सिर्फ समझना है। कुछ यहां से उसने लॉस कमा लिया, 20% लॉस पे बेचा 1/3 हिस्सा पूरे का 1/3 और 2/5 पूरे का, उसको 25% फायदे में मतलब धन की बात करें रुपये की बात करें क्वांटिटी की बात करें तो उसने यहाँ पे इतना रुपया लॉस किया, यहाँ पे इतना रुपया प्रॉफिट किया, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ होगा और टोटल उससे 10% प्रॉफिट कमाना है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में बात करें तो मैं बोलूँगा फिर ठीक है टोटल कितना हो गया 1 हो गया, यही हुआ कि नहीं हुआ, ये 10% प्रॉफिट टोटल पे मतलब 1/10% 1/3 पे 20% लॉस मतलब इतना लॉस, 2/5 पे इतना प्रॉफिट मतलब इतना प्रॉफिट, बचा हुआ हिस्सा कितना, तो आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ के एक में माइनस कर देते हैं, तो आप 1/3 जोड़ लीजिए 2/5 के साथ, तो आपको पता चल गया कितना आ गया 11/15, ध्यान से देखिए 11/15, इसका मतलब 4/15 हिस्सा बच गया था
और इसको कितना में बेचना है इसको तय करने दीजिए, हम क्यों तय करें। मान लेते हैं प्रॉफिट में बेच रहा है, अब बताइए टोटल परसेंटेज प्रॉफिट जोड़कर 10% के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना। ये कॉन्सेप्ट था, ये हमने चुराया, हमने इसका यूज नहीं किया। चाहते तो आप 1/3 इसका हिस्सा करते, 20% लॉस पे बेचते, फिर 2/5 इसका हिस्सा लेते, 25% प्रॉफिट पे बेचते, बहुत पंगा होने वाला था। अब मुझे बताइए 5 × 25 तो 5 × 10%, ये 10% इसके साथ कैसे लौट हो गया। ये इधर इक्वेशन के इक्वेशन को उधर है, अब ये लॉस है प्रॉफिट है। आप मुझे बताइए ये अगर इसको उधर कर लेंगे तो ये भी माइनस में चला जाएगा, देखिएगा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, मतलब इतनी की वैल्यू आपको इतनी मिलकर आ गई, तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर 20/3 और भागा 4/15, आप देख लीजिए 3 × 15 और 4 × 20 कितना आ गया 25%। मतलब जो बचा हुआ है उसको भी 25% पे अगर आप बेचेंगे, 25% प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, टोटल 10% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन सवाल क्या कर रहा है, 25% प्रॉफिट पे आपको क्या करना है, बेचना है, 25% प्रॉफिट पे बेचना है। तो आप बताइए 4/15 को 25% प्रॉफिट बेचेंगे, समझिएगा ध्यान को। तो रुपया पूछा है आपसे, आपसे परसेंटेज पूछता तो यहीं पे बात खत्म हो जाती, लेकिन उसने रुपया पूछा है। तो जितना में आपने खरीदा था उसका चार टोटल का वैल्यू इतना है, तो 4/15 का क्रयमूल कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इतना गुना 4/15, 4/15 हिस्सा ही था, और 25% प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे। तो कहेंगे सर आप 25% के जगह पे 125% में बेच देंगे, 125% मतलब 5/4, तो आपका आ गया 4/4 और 5 × 3 और ये आ गया 12, 12 × 4 सुना 1,00,000 आ गया, कितना आ गया 20,000, यही है ना, 3×4। तो आपको समझ में आ गया कि जो बचा हुआ है उसको 1,20,000 में बेचेगा तब जाके इसे ओवरऑल 10% की प्रॉफिट होगी, मतलब 36,000 रुपये की प्रॉफिट आएगी। ये बात आप क्लियर समझ में आ गए, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा अगर हो सकता आगे पीछे हो तो। नेक्स्ट सवाल लेकर आ रहा हूं आपके लिए, देखिए ये जो सवाल कह रहा है, करे एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें 1600 में खरीदी और उसने पहली पे 10% लाभ, दूसरी पे 20% लाभ दी। यदि उसने पहली 20% लाभ, देखिएगा पहला यहां साइकिल रख दिया उसने, दूसरा यहां रख दिया, पहले पे 10% लाभ कमाया, दूसरे पे 20% लाभ कमाया। बोल रहा यदि पहले को 20% लाभ पे बेच देता और दूसरे को 10% लाभ पे बेच देता तो उसे 5 रुपया ज्यादा मिलता, कितना मिलता, 5 रुपया ज्यादा मिलता। ध्यान दीजिएगा उसको 5 रुपया ज्यादा मिलता अगर ऐसी बातें करता तो। दोनों साइकिलें के लागत मूल्य का अंतर कितना है, आप एक बात बताइए, प्रॉफिट किस पे कमा रहा होगा, लागत मूल्य पे ना, क्रय मूल्य पे ना, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कहें तो 10%, समझिएगा फिर से, कॉस्ट प्राइस कहें 10% इसका प्रॉफिट हुआ, इसके कॉस्ट प्राइस का 20% इसका प्रॉफिट हुआ, इसके कॉस्ट प्राइस का 10-20% इसका, इसके कॉस्ट प्राइस का 10% इसका। मतलब अगर दोनों के इसको कॉस्ट प्राइस को फर्स्ट कर देते हैं, इसके कॉस्ट प्राइस को सेकेंड ही बोलते हैं, तो देखिए ये बड़ा इसमें ज्यादा फायदा होगा, तो बड़ा माइनस छोटा कर दे रहे हैं। तो 20% माइनस 10%, 10% आ गया, 10% माइनस 20% माइनस ऑफ 10% आ गया। अब देखिए दोनों 10% है तो दोनों को 10% कम, यहां पे क्या है इसका प्राइस क्या है फर्स्ट, आपको एकदम समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, इतना इसमें कुछ लिखना ही नहीं है। यहां सेकेंड है आपका, ये सेकेंड का जो 10% निकल कर आया, जो फर्स्ट का 10% निकल कर आया, ये कितने के बराबर आ जाएगा, पहले तो पी प्रॉफिट हो रहा होगा, अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5 ज्यादा, तो अंतर तो आपका 5 ही है ना। आप इसको फिर से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए पहले का दाम X है, आप मान लीजिए पहले का जो दाम है, पहला जो साइकिल है उसका प्राइस आपको बोल दिया सीपी कॉस्ट प्राइस X है, दूसरे का बाई, तो X का 10% प्लस बाई का 20% यही तो प्रॉफिट आएगा, दूसरी बार X का 20% प्लस बाई का 10% यही तो प्रॉफिट से 5 रुपये बढ़ गया। आपको मैं सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करने बोल रहा हूँ, तो 20 − 10 जो फर्स्ट लिखा था मैंने वो X रहा है, ये जो लिखा था सेकेंड ये बाई है, ये 25 नहीं सेकेंड है, और 10% दोनों में आया तो 10% मैंने कॉमन ले लिया, देख लीजिए 10% मैंने कॉमन ले लिया और यही 5 है। आप बताइए आपसे पूछ रहा था दोनों साइकिल के कॉस्ट प्राइस में अंतर, तो 10% से उधर डिवाइड कर दीजिए, आपको कितना गया 50, मात्र 50 रुपये का अंतर था। अगर आप समझ गए बात को तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, टिक मार के निकल देना है। देखिए कुछ क्वेश्चन शायद और हैं, एक सेकंड में देख लूं। 5 नंबर, हाँ अभी क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। करें ने शोरूम द एवरेज प्राइस ऑफ ए बाइक इज 60,000 एंड द एवरेज प्राइस ऑफ ए स्कूटी इज 55,000, द टोटल एवरेज प्राइस ऑफ टू व्हीलर्स इन द शोरूम इज। बड़ा अच्छा सवाल है, देखिए 60,000 प्राइस है किसका,
आप बोलेंगे सर ये तो बाइक का है, एवरेज प्राइस है, सिर्फ जितने बाइक हैं सबका एवरेज प्राइस 60,000 है। स्कूटी का एवरेज प्राइस आपको बोल रहा है 55,000, और बोल रहा है जितने दो चक्के वाले वाहन हैं, जो टू व्हीलर वाहन, टू व्हीलर जितने भी हैं, सारे का एवरेज प्राइस 58 है, तो लिगेशन नहीं लगेगा। इसका मतलब ये कितनी क्वांटिटी होगी, तो कहेंगे सर तीन, और ये कितनी क्वांटिटी होगी दो। सवाल करा नहीं, जो स्कूटी है वो 20 है, दो नहीं है, वो कितना है स्कूटी 20 है, दो की वैल्यू 20 है, तो तीन की वैल्यू कितनी हो गई 30, टोटल कितना हो गया 50, यही पूछ रहा था आपसे पूरे शोरूम में कितना है। लाख आप लोगों को बोलता हूँ देखिए वीडियो को, मैं जो पढ़ा रहा हूँ चीज़ें वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको सवाल ऐसे ही बनेंगे। एलिगेशन पे कंप्लीट एक वीडियो बनाया हूँ, कंप्लीट एलिगेशन पे एक वीडियो बनाया हूँ आपके लिए, सिर्फ उसमें 10 अर्थमेटिक के टॉपिक है जहाँ पे एलिगेशन लगता है, जहाँ पे एलिगेशन लगता है उस सवाल भी मैं दिखाया हूँ कैसे कैसे सवाल एलिगेशन लगता है उस पर। लेकिन आप वीडियो नहीं देखे होंगे, आपको बोलूँगा तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन वीडियो का लिंक भेज दीजिए, वीडियो कहाँ है भाई साहब, खुद सीखिए सर्च करना, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, एक बार सीख जाएंगे बात खत्म हो जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा, ये भी चीज़ें मुझे सिखानी पड़ती है कि आप वीडियो को कैसे सर्च करें, किन्हीं का वीडियो है, आपको प्लेलिस्ट कैसे जाना है, किसी वीडियो को कैसे देखना है। तो आप सोचिए, सबको मैं नहीं सिखा सकता ना, आप लोग आपस में भी खुद शेयर कीजिए बातें, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बात करूँगा आपसे। अब ये जो सवाल आपके सामने आया है, ये सवाल भी मैं बताया हूँ, ये सवाल भी मेरा बताया हुआ है, ये सवाल भी आपको पहले किसी वीडियो में आया हुआ है। देखिए सवाल यही है आपके सामने, इस सवाल में यहां पे भी डेटा चेंज कर सकता, माइनस एक्स वाई जेड कर सकता, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स वाई जेड कर सकता, कुछ भी कर सकता है। सवाल आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटिव सवाल है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तीन वेरिएबल दे चुके हैं तो आप एक्स वाई मान नहीं सकते, क्योंकि तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन से एक्स वाई नहीं मान सकते। अगर मानेंगे और उसके बाद आंसर मैच करता तो कोइंसिडेंट इत्तफाक है, ठीक है, अगर शक है तो वैल्यू चेंज करके देखिए, दोबारा आंसर नहीं मैच करेगा। तो चलिए यहां पे कैसे करेंगे, तो आप मुझे बताइए कि आप इसका जब फॉर्मूला लिखते हैं, देखिएगा बड़ा अच्छे से कैसे सॉर्ट करते हैं, तो आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डायरेक्टली लिखें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है उसने, मुझे क्या दिक्कत है, मैं लिखूंगा। इसके बाद जो फॉर्मूला में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं है तो यहां से निकलेगा, तो आप इसके लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई टू वाई जेड टू जेड एक्स बराबर 19 स्क्वायर। तो 19 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस टू ऑफ एक्स वाई, टू ऑफ ये माइनस कर दीजिए, तो माइनस टू ऑफ ये माइनस कर देंगे, ये माइनस करने का मतलब 114 माइनस कर दिया, ये आपका निकल कर आ गया डायरेक्टली क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसके बाद आप क्या लिखते हैं, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मतलब यही चीज आप फिर से लिखते हैं, तो चलिए ये लिखते हैं प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कितना है 216। एक ध्यान और दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला मैं बोल रहा था वो फॉर्मूला था माइनस थ्री एक्स वाई जेड का, जो मैं यहां पे नहीं किया हूं, आपने नोटिस नहीं किया, ये फॉर्मूला था माइनस थ्री एक्स वाई जेड का। तो ये जो फॉर्मूला यहां से यहां तक लिखा गया है किसका फॉर्मूला है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड, तो थ्री एक्स वाई जेड तो मैं यूज नहीं किया हूं, तो वो थ्री एक्स वाई जेड मैं यहां पे लाके उलट के लगा दिया, और थ्री एक्स वाई जेड कहने का मतलब इतना, तो आपका ये आ गया। अब ये समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि ये इतना ही सा था, मैंने बोला कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होती है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होती है, ये मैंने बोला। तो मैंने बोला कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसको थ्री को उधर ले जाकर ऐड कर देंगे, ये थ्री को इधर लेकर ऐड किया, ये आपका क्लियर हो गया। मैंने बोला यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होता है एक्स वाई जेड होता, आपको ये क्लियर हो गया, देखते जाइएगा। मैंने फिर बोला इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आपने बोला सर इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर लिख दें और इसमें से माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा। तो ये देखिए टू है एक्स प्लस वाई जेड का स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है ये, और ये टू आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, और ये माइनस फिर से एक्स वाई माइनस माइनस जेड है, क्लियर। और ये तो आपका एक्स वाई जेड यहाँ था जो ये आ गया, आप इसको डिटेल में करके देखिएगा, मैं समझा दूँ, वैसे आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके बताएंगे नहीं, आप पर्सनली घर पे आके बताएंगे सर हाँ ठीक है, तो घर पे आके क्या बताइएगा,
इसको सॉल्व कर लेंगे कि आपकी मैं सॉल्व कर दूं? कितना हो गया, गुना कीजिए, 4 × 216। आप देख लीजिए ये हो गया 1664, हुआ कि नहीं हुआ? और ये आपका 19361, जोड़ लीजिए, ओ 4 × 864 हो जाएगा, सॉरी, आपका कितना आ गया, 1225 आया। देख लीजिए कितना आ गया, 1225, अगर नहीं दिख रहा तो 1225 आ गया रूट के अंदर, ये किसका स्क्वायर रूट है, 35 का। ये चीजें समझ में आती है या नहीं आती है? समझ में आती है तो बढ़ते हैं, फिर देखते हैं सवाल और है हमारे पास क्या। एक और सवाल है इस वीडियो के लिए, सवाल बहुत ज्यादा हैं तो सारे सवाल इस वीडियो में नहीं आ पाए हैं, कुछ वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में सवाल मिलेंगे। जिनका भी इस वीडियो में सवाल नहीं है वो नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, नेक्स्ट वीडियो में टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवाल हैं मोस्टली, और ट्रिगो के सवाल हैं, जितने भी ट्रिगो के सवाल आपके हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे 199 में, और जितने भी ज्योमेट्री के सवाल हैं वो 200 में आएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन करें, ट्रेडर सेल्स टू क्या है, ब्लॉक्स फॉर रुपीज दिस दिस दिस, अरे यार बैल की बात कर रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये क्या लिखना चाह रहा है, करेक्ट, व्यापारी 8400 बैल की दर से 2 बैल बेचता है, एक बैल को 20% लाभ पर बेचता है, दूसरे पूरे सौदे पर, उससे ना तो लाभ होता है ना हानि, तो दूसरे बैल को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा, आप खुद बताइए। उसने 8400 में दोनों बैल बेच 8400 में पहला बैल बेचा और 8400 में दूसरा बैल भी बेचा, आप समझिएगा इस बात को, सिर्फ पहले को भी उसने 8400 में बेचा लेकिन 20% फायदे पे, 20% फायदे पे, ऐसा सवाल कह रहा है, इसका मतलब 120% में बेचा होगा, ये तो आप कह सकते हैं, आपको बोल रहा है वो कि दूसरे बैल को वो इस तरह से लॉस में बेचा है कि फाइनली उसको 1 रुपया फायदा हुआ, 1 रुपया लॉस हुआ है। तो आप मुझे बताइए, अगर 120% पे पहले बैल को बेचा होगा इसका मतलब उसमें फायदा उसका कितना होगा, तो कहेंगे सर 20%, और 20% होगा कितना, तो इसको 6 से डिवाइड कीजिए, इसको भी 6 से डिवाइड कीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1400, 1400 रुपया ही उसको फायदा हुआ था, तो 1400 रुपया इसमें नहीं कमाएगा, अच्छा इसमें 1400 रुपया लॉस कर देगा तब तो उसको ओवरऑल नो लॉस नो प्रॉफिट, तो 1400 लॉस अगर इसमें करना चाहेगा तो अगर इतना में बेच रहा है 1400 लॉस करने के बाद तो कितना में खरीदा होगा, तो आप कहेंगे सर 1400 जोड़ेंगे तब तो पता चलेगा, तो आप बोलेंगे सर 9800 में खरीदा था उसने, तभी तो 1400 लॉस था और बेचारा 4400 में 8400 में बेचा और नो प्रॉफिट। अगर कोई भी आदमी जो बेवकूफ़ है 9800 में किसी को खरीद के, कोई सामान को 9800 में खरीदता और 1400 लॉस आता तो कितना परसेंट लॉस आएगा, तो यहाँ से 98 से मैंने भागा दे दिया और यहाँ कट गया 7 मरतबे और ये 14.2/7% आ गया, 100 पे जितना आता है वो परसेंटेज होता है ना, 100/7 आया तो परसेंटेज लगा दिया। तो ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आ रहा हूँ, आपके पास टाइम स्पिन डिस्टेंस और ट्रिगो के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे लेकर।